जिला परिषद अध्यक्ष पद पर राजद की विजय होने पर राजद ने समस्त जिला परिषद और दरभंगा वासियों को कहा कि राजद पर भरोसा जताकर उन्होंने जो पद अध्यक्ष का दिया है उस पर राजद जनता और जिला परिषद सदस्य के आशा पर खरा उतरेगा। राजद जिला अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि बहुत खुशी की बात है जिस जिला में 9 विधायक एनडीए से आते हो और सांसद भी एनडीए से है उसी जिला की जनता ने भरोसा जताकर राजद को जिला परिषद अध्यक्ष का कमान दिया है। राजद पूरी ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करेगी। पहला मीटिंग हम चाहते हैं, हमने सर से बात हो गई है जो 15 के बाद हम पहला मीटिंग रख ले। 15 तारीख के बाद? हाँ, 15 तारीख के बाद बहुत ही जल्दी पहला मीटिंग हम रखें। क्यों इतना विलम्ब क्यों करेंगे आप 15 तारीख के बाद? क्योंकि कुछ विभागीय इस तरह से जानकारी मिली है जो मैडम आप 15 को बाद रखिए मीटिंग अच्छी रहेगी, इसी कारण से हम 15 को बाद रखेंगे। क्या क्या रहेगा क्योंकि 5 साल का समय मिला है आपको, तो उसमें क्या क्या किन किन विषयों पर फोकस रहेगा? विकास का मुद्दा है। जो 5 साल में स्थिति गड़बड़ाया जिला परिषद का, हम चाहते हैं पुनः वो स्थिति अच्छा बने और जितना ज्यादा विकास हो सके जिला परिषद द्वारा। हमारे जिला परिषद से विकास नहीं पिछले 5 वर्ष से हुआ और नहीं अभी तक हो पा रहा है। जो एक में हुआ जितना विकास, वो विकास नहीं अभी तक धरातल पर उतरा है। हम चाहते हैं उसी तरह से उससे अच्छा ढंग से विकास जिला परिषद द्वारा हो, जो फिर जिस तरह से इस बार जिला परिषद नहीं चुन के आया, मात्र 3 ही सदस्य चुन के आए हैं और अच्छा ढंग से जिला परिषद द्वारा काम होगा तो जिला परिषद पुनः फिर जीत करके आएगा, इस तरह का नौबत नहीं। एक चीज देखा जाता है कि मतलब जो पार्षद चुने जाते हैं उन सभी का एक शिकायत रहता है कि हमारे इलाके में इतना 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 का राशि मिला, तो उसको लेकर के सामान्य रूप से सभी के पास जाए उसके लिए क्या रहेगा? सभी को सामान्य रूप से मिलेगा, किसी को कम बेसी नहीं मिलेगा, एक समान सबका अधिकार है और सभी को लेकर के हम साथ चलेंगे। महागठबंधन की ओर से आपको समर्थन मिला तो महागठबंधन की ओर से जो कुछ कहा जाएगा वो काम कीजिएगा इस तरह से। महागठबंधन तो ये तो चुनाव नहीं होता है, एक तो गठबंधन मेरा उम्मीदवार खड़ा किए, लेकिन पंचायती राज ये चुनाव जो होता है अपने स्तर से लोग लड़ता है, तो महागठबंधन तो समर्थन है ही, लेकिन सरकार द्वारा जो भी आएगा इसमें पक्ष और विपक्ष कोई कुछ नहीं, हम रखेंगे सबको एक रंग को। नए साल 2022 के मुबारकबाद, और जो अभी समसामयिक विषय है उसी के संदर्भ में हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जिला परिषद का हाल ही में चुनाव हुआ, जनता दल परिवार सभी जो जिला पार्षद हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग इन लोगों ने एक सही आदमी का चुनाव किया। हम लोगों के दल ने इससे पहले ही एक जो दल के निष्ठावान जो लोग थे सीनियर सबसे थे उसमें दलित महिला से ही होना था और उसका ये लोगों ने सब सम्मत से हम लोगों के बीच में हम लोगों के जो प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित यादव जी जो विधायक दल के मुख्य सचेतक आज जीते हैं बिहार विधान सभा में, और पूर्व विधायक भोला यादव, आर के चौधरी जी जो भी यहाँ भाजपा से उम्मीदवार थे, सब लोगों के राय से सब भी पार्टी के जो जिला पार्षद थे उनके सहमति से ही उम्मीदवार हुआ और उनके विजय हुई। हम विजय के लिए तमाम दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी पार्षद का और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी उसमें सहयोग दिया, सब लोग मिलजुल करके ये सफलता मिली और इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से मुबारकबाद देते हैं। उनका नाम भी बता दीजिए। रेणु देवी उनका नाम है, ये बहेरी से चुनाव जीती हैं और वो पिछले बार भी चुनाव जीती थी, ये दलित में सीनियर सबसे यही थी, पूरी जितनी दलित दलित के जो है महिला जीती है उसमें सबसे सीनियर जीते। इस जिला में 3 ही नए पुराने लोग जीते, उसमें एक ये भी थी जो दोबारा करना जीती है रेणु देवी। सर पिछले बार भी रेणु देवी नामांकन की थी जिला परिषद में, किस पार्टी से की थी? आरजेडी से ही की थी दोबारा। नहीं, हम लोग को तो जानकारी जो है सो भाजपा का कैंडिडेट पिछले बार हुआ
विधि है, इस बार राजद का कैंडिडेट हो गया। ये तो जिला परिषद किसी चुनाव किसी पार्टी का होता नहीं है, ये तो जनता से चुनाव हो जाता है। किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, किसी का सिंबल नहीं होता है, किसी का पोस्टर बैनर नहीं होता है, इसलिए इसको किसी दल का नहीं माना जाता है। लेकिन वर्कर होते हैं वो हम लोगों के साथ है, देखा गया है कि सर की कई जगह जिला पार्षद में जो महागठबंधन की ओर से लोग बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि मधुबनी में भी हुआ। महागठबंधन के ही ओर से ये भी जीती है। कितने वोट से जीती है, क्या कहिएगा जीत पर, जीत पर क्या कुछ जिला पार्षद से उनका भी सहयोग था, जो कांग्रेस के है उनका भी सहयोग था, और अन्य जो जो वामपंथी दल है उनका भी सहयोग था। कितने वोट से जीती थी, कितने वोट से जीते थे तो आपको भी शायद मालूम ही होगा। सर एक वोट से आगामी अब इससे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, गठबंधन तो यूनाइट है। पीयूष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।